हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड रीप्ले। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के सीरियल कयामत से कयामत तक के बारे में, जो कि एक पुनर्जन्म की लव स्टोरी का शो था। तो गाइस, ये शो रिसेंटली 3-4 दिन से इसका नया एपिसोड देखने को नहीं मिला, और इसका जो लास्ट एपिसोड था वो था एपिसोड 85। और गाइस, 85 एपिसोड के बाद कोई भी इसका नया एपिसोड दिखाया नहीं गया है, और इसको रिप्लेस कर दिया गया है नए सीरियल सुहागन चुड़ैल के साथ, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो गाइस, कई सारे इस शो के जो फैंस हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और कह रहे हैं आखिर ये शो को इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया गया। शो के एटलीस्ट 100 एपिसोड्स तो पूरे कर दिए होते, और शो की जो एंडिंग रही है वो भी काफ़ी तेज़ी से निपटाई दिख रही है। और वो इस करके बिकॉज ज़्यादातर सीरियल्स को जो नोटिस मिलता होता है ऑफर का, वो एक शॉर्ट नोटिस होता है, और जल्दी जल्दी एंडिंग को किसी ना किसी तरह उन्होंने करना होता है, तो इस तरह एब्रप्टली शो को एंड किया जाता होता है, बिकॉज नई डेडलाइन आई होती है, नए शो की डेट आई होती है, उसको रिप्लेस करना होता है। एनीवेज, ये तो रही एब्रप्ट एंडिंग की बात। और गाइस, बात करें इसका एपिसोड 86 क्यों नहीं आया, यानी कि इसका अगला एपिसोड क्यों नहीं आया, यानी कि शो को एंड क्यों किया गया। तो गाइस, शो को ऑफ एयर इसलिए किया गया है बिकॉज शो की TRP रेटिंग्स कलर्स टीवी को जितनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। बात करें शो की, वैसे TRP को देखें एज एन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेवल, तो गाइस ये जो TRP थी बुरी नहीं थी, TRP डिसेंट थी टाइम स्लॉट को देखते हुए, तो टाइम स्लॉट के हिसाब से TRP बढ़िया थी कलर्स टीवी पर। बट यहाँ पर बात ये आती है कि कलर्स टीवी कम्पीट कर रहा है स्टार प्लस के साथ, वहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी टाइम स्लॉट पे TRP आ रही है, तो और बुरी टाइम स्लॉट जैसे कि 10:30 बजे 7:30 बजे जो कि मुश्किल वाली होती हैं, वहाँ पर वो वाले शोज़ भी इतने ज़्यादा हाई अच्छी TRP लेकर आ रहे हैं। इसी करके कलर्स टीवी भी अपना गेम अप करना चाहता है, वो चाहते हैं उनकी मुश्किल वाली टाइम स्लॉट्स जैसे कि रात वाली जो टाइम स्लॉट्स हैं वहाँ पर भी और बेटर परफॉर्मर्स होने चाहिए, और एटलीस्ट 1.0 की TRP या फिर इससे ज़्यादा की TRP कलर्स वाले चाहते हैं अपनी 10 बजे की स्लॉट पे और 10:30 बजे की स्लॉट पे। कयामत से कयामत तक जितनी TRP लेकर आ सकता था वो लेकर आया, शो की गलती नहीं थी यहाँ पर, कलर्स टीवी की लेट नाइट वाली टाइम स्लॉट स्ट्रेंथ नहीं हो पाई है, और काफ़ी अलग अलग टीवी शोज उन्होंने लॉन्च करके देखे हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट वाले, और कोई भी उनकी TRP को स्ट्रेंथन अब तक रीसेंट वाले टाइम्स में नहीं कर पाया है। इसी करके अब उन्होंने अलग टाइप का सुपर नेचुरल शो लॉन्च किया है, यानी कि सुहागन चुड़ैल हॉरर शो लॉन्च कराया है, इसी होप्स में कि 10:30 बजे पे शायद उनको TRP अच्छी मिल जाए, शायद 1.0 से ज़्यादा TRP आ जाए, तो वो तो हमें आने वाले हफ्तों में पता चलेगा कि वो लाता है या फिर नहीं। लेकिन मेन रीज़न यही रहा है कयामत से कयामत तक का बंद होने का, TRP शो की बुरी नहीं थी, टाइम स्लॉट शो को बुरी मिली गई थी और मुश्किल वाली टाइम स्लॉट दी गई थी। कलर्स टीवी चैनल पर 10:30 बजे पर TRP इससे ज़्यादा लाना एक काफ़ी मुश्किल टास्क है, एंड आज के टाइम में 10:30 बजे पे ज़्यादा अच्छी TRP इससे लेकर आना वो मुश्किल है, बिकॉज झनक शो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मर है स्टार प्लस पे, 10:30 बजे पे वहीं पर अच्छी TRP आती है। 10:30 बजे पे कलर्स पे TRP तो अच्छी तभी आती है जब यहाँ पर बिग बॉस आया होता है, और बिग बॉस के टाइम इनकी TRP रेटिंग बहुत अच्छी रहती है, 10 बजे वाली भी 10:30 बजे वाली भी, लेकिन फिक्शनल स्पेस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है कलर्स टीवी जहाँ तक बात आती है। बस यही रीज़न रहा है कयामत से कयामत तक का ऑफर जाने का। शो की TRP टाइम स्लॉट के हिसाब से डिसेंट थी, लेकिन कलर्स टीवी की TRP मांग और भी ज़्यादा थी, और वो चाहते थे और अच्छे TRP हो, 1.0 की उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है अपने मुश्किल टाइम स्लॉट वाले सीरियल्स से भी। तो गाइज, ये था रीज़न। और गाइज, बात करें इसका अगला एपिसोड आएगा नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा गाइज, शो को बंद कर दिया गया है, सीज़न 2 भी नहीं आएगा शो का, बिकॉज शो की TRP कलर्स टीवी के हिसाब से लो थी। तो गाइज, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, सारी अपकमिंग अपडेट्स और ऐसे ही पाने के लिए कलर्स टीवी के रिलेटेड हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबा लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट कोई भी खबर टीवी शो से जुड़ी बिल्कुल भी कभी भी मिस ना कर पाएँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।